फिर वो बड़ा भाई जो है वो छोटे भाई के ऊपर सीने के ऊपर ना चढ़ गया और हथौड़े के वार से हथौड़े का वार उसने मारा उसकी छाती के ऊपर, वो मार के ना उसके बाद बड़ा भाई भाग गया। हॉस्पिटल लेकर गए हैं तो वहाँ पर डॉक्टरों को चेक करवाया उन्होंने, ये तो रास्ते में ना इसकी डेथ हो गई है। ठीक है, फिर पोस्टमार्टम वगैरह करते रहे हैं, वो रात को तकरीबन 2-3 बजे उसको हम घर लेकर आए हैं। डॉक्टरों का कहना यही कि ये जब गिरा ना तो उसकी ये जो गर्दन ना यहाँ पर इसको चोट लगी है जिसकी वजह से इसकी जो ना डेथ हो गई है। हाँ जी, उसकी तकरीबन 2 साल पहले शादी हुई है और उसका तकरीबन 1.5 साल का बच्चा भी है। उसकी एक टांग भी कटी हुई वाला की बेचारी, बहुत जो है ना हालात ख़राब है उनके घर वालों के। हाँ, बहुत रो रही, इसकी बीवी जो है वो बहुत चीखों पुकार कर रही थी। पुलिस आई है तकरीबन, जब वाकया हुआ तो वाकये से तकरीबन 3-4 घंटे के बाद पुलिस फिर आई है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान सिशार अल्बानी आपकी खिदमत में हाज़िर है और आप देख रहे हैं पैनल पर न्यूज़। नासिन, कोर्ट लखपत के इलाके में मौजूद हूँ और इस घर के बिल्कुल बाहर मौजूद हूँ जहाँ पर इंतहाई अफसोसनाक वाक़या पेश आया। बड़े भाई ने छोटे भाई को जो है हथौड़ों के साथ और यकीनन तशद्दुद करके जो है उसे मार दिया। ये मामला हुआ कैसे और क्या वाक़या हुआ? हमारे साथ ऐनी शाहिदीन मौजूद हैं और उस इलाके के एक नौजवान मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर, मुझे बताएं कि ये वाक़या कब और कैसे हुआ और आपको कब पता चला? जी, वाक़या तो तकरीबन 3-4 दिन पहले हुआ है वाक़या। तो मैं ना सो रहा था घर में तो एकदम शोर की आवाज़ आई है तो मैं निकला बाहर। दो भाई ना यहाँ पर खड़े होकर लड़ रहे थे, लड़ाई उनकी तकरीबन 2-3 माह पहले ही ना चल रही है। दो माह से चल रही थी वो ज़मीन का कोई झगड़ा था। अच्छा। इस वजह से लड़ाई की मेन वजह है ज़मीन की, इनका जो घर है वो इनकी मेन वजह लड़ाई की। अच्छा। तो लड़ रहे थे, मैं अचानक निकला हूँ बाहर सोया हुआ था, निकला हूँ बाहर, देखा जो दोनों भाई जो है ना आपस में लड़ रहे थे। अच्छा। जो बड़ा भाई है ना उसने छोटे भाई को पहले बालों से पकड़ा है, खींचा है, नीचे पर गिराया है, उसके नाक से खून आना शुरू हो गया। फिर वो बड़ा भाई जो है वो छोटे भाई के ऊपर सीने के ऊपर ना चढ़ गया और हथौड़े के वार उसने मारा उसकी छाती के ऊपर, वो मार के ना उसके बाद बड़ा भाई भाग गया और छोटा भाई जिसको मारा है वो चला गया अंदर अपने कमरे में। अच्छा। इनके घर चला गया क्योंकि उसको प्यास लगी होगी पानी की तो वो अंदर चला गया। तो इतने में ना जो घर में औरतें थीं उन्होंने शोर डालना शुरू कर दिया तो मैं सोया हुआ था, मैं निकला हूँ बाहर आकर देखा है मैंने सारा मामला, तो मैं भी उसके पीछे गया हूँ, जो लड़का है जिसको मारा ना उसके मैं पीछे अंदर घर तक गया हूँ। तो पानी पीने की उसने कोशिश की लेकिन वो वहीं पर जो है ना गिर गया। फिर मैंने 112 वाले को कॉल मिलाई है तो उन्होंने, वो ज़रा लेट थे, फिर मैंने अपनी जो है ना कार निकाली उसमें उसको बिठाया है, हॉस्पिटल लेकर गए हैं। तो वहाँ पर डॉक्टरों को चेक करवाया उन्होंने, कहा ये तो रास्ते में ना इसकी डेथ हो गई है। ठीक है, फिर पोस्टमार्टम वगैरह करते रहे हैं, वो रात को तकरीबन 2-3 बजे उसको हम घर लेकर आए हैं। डॉक्टरों का कहना यही कि ये जब गिरा ना तो उसकी ये जो गर्दन ना यहाँ पर इसको चोट लगी है जिसकी वजह से इसकी जो ना डेथ हो गई है। मतलब कि हड्डी को टूट गई है। अच्छा। ये वाक्य पेश हुआ है। अच्छा, मुझे बताएं कि ये जो मरने वाला है जिसको मारा गया है और जो कत्ल हुआ है उसकी कितनी उम्र? उसकी लगभग तकरीबन कोई 20 से 25 साल इसकी इतनी उम्र होगी। 20-25 साल। और जो मारने वाला है उसकी कितनी उम्र है? वो तकरीबन 30 साल का होगा। 30 साल? 30 साल का होगा तकरीबन। अच्छा। इतनी उम्र है उसकी। मुझे बताएं कि ये कितने बहन भाई हैं? ये 5 भाई हैं और तकरीबन 3 बहनें हैं। अच्छा। 3 बहन भी लड़ाई होती थी? नहीं, पहले तो नहीं होती थी, तो ये तकरीबन 2-3 माह से जो है ना इनकी लड़ाई चल रही थी, ये घरेलू जातियों की वजह से। तो घर का मामला था? घर का ही मामला था। क्या कहते थे मतलब है? नहीं कहते तो मैंने तो उतना नहीं, मैं इतना इधर रहता था लेकिन घर वालों से मुझे अपने आपस में जो इनकी लड़ाई थी ये चाहते क्या थे, मतलब कि कुछ रकबे का हिसाब? रकबे का हिसाब था इतना नहीं मुझे पता, बस यही वजह सामने आई कि इनका ना लड़ाई की जो वजह है ना वो सिर्फ ज़मीन है, ज़मीन की वजह से इन्होंने आपस में लड़ाई की है। तो उसके बाद फिर जो है वो जो लड़का जिसके को कत्ल किया गया है उसकी शादी हुई? हाँ जी, उसकी तकरीबन 2 साल पहले शादी हुई है और उसका तकरीबन 1.5 साल का बच्चा भी है। 1.5 साल का बच्चा भी है उसका, 2 साल पहले उसकी शादी हुई है। तो वो जो रक्षा चलाता है बेचारा, रक्षा चलाता था। अच्छा, ये रात को मतलब वाक़या हुआ? ये सुबह के दिन तकरीबन 9-10 बजे के दिन वाक़या हुआ है, सुबह का टाइम। सुबह का टाइम? हाँ। पुलिस फिर आई? पुलिस आई है तकरीबन, जब वाक़या हुआ तो वाक़े से तकरीबन 3-4 घंटे के बाद पुलिस फिर आई है। अच्छा। उसने आके सारा वाक़या देखा है,
लड़के को तो हम लेकर चले गए थे हॉस्पिटल। अच्छा। वो पुलिस आई, उसने सारा जो है ना मामला देखा है आगे, फिर वो उन्होंने FIR काटी है, जो जिसने मारा वो उसी ने उसको मार के फरार हो गया। अच्छा। अभी तक मेरा ख्याल कि नहीं आया पुलिस की हिरासत में, हिरासत में नहीं आया। तो जो FIR दर्ज हुई है? हाँ जी, FIR दर्ज करवाई है उसके घर वालों ने। वो जो था ना उसका नाम है तकरीबन रमज़ान, उसका नाम है, जाने जाने उसको कहते हैं। अच्छा। उसके खिलाफ FIR दर्ज करवाई है, उसके खिलाफ FIR दी। हाँ जी। किसकी मदयत में? उसकी वालदा की या उसकी बहन की या उसके वालदा भी है, और उसका भाई जो है बड़ा वो इलेक्ट्रिशियन है, उससे भी एक बड़ा है। हाँ उससे भी एक बड़ा है। पाँच भाई है ना ये तकरीबन, जो मरा है वो तीसरे नंबर पर है। अच्छा। जिसने मारा है वो चौथे नंबर, उससे भी बड़ा एक भाई है। अच्छा। उसने, उसकी वालदा ने, उसकी बहन ने FIR करवाई है। तो मतलब इस वक्त जो सूरत हाल है, उस जहरी बात है, मासूम बच्चे हैं उसके, तो उन्होंने कोई अपील शपील किया कि इसको सजा दी जाए? अपील उन्होंने की है। उसकी जो वालदा है ना वो भी बेचारी शुगर की मरीज़ है, उसकी एक टांग कटी हुई है। ये तकरीबन 2-3 माह पहले ना उसकी वालदा की टांग का ऑपरेशन हुआ है, उसकी एक टांग भी कटी हुई है वालदा की बेचारी। बहुत जो है ना हालात ख़राब है उनके घर वालों के। हाँ बहुत रो रही, इसकी बीवी जो है वो बहुत चीखो पुकार कर रही थी। नासीन, आपने नौजवान की गुफ्तगू सुनी है। इंतहाई अफसोसनाक वाक्य पेश है कि चंद जो है मरलों पे जो है वो लड़ाई हुई, और एक रकबे के तनाज़े पर जो है लड़ाई पर बड़े भाई ने छोटे भाई को बेदर्दी के साथ कत्ल किया, और आखिरकार जो है वो बेदर्दी से कत्ल होने वाला जो है इस दुनिया फानी से कुछ कर गए। इस वक्त जो सूरत हाल है, कुर्ब क़यामत के मनाज़र हैं उस घर में, यकीनन उसकी जो बूढ़ी माँ है बकौल इनके कि उसकी एक टांग भी कटी हुई है और शुगर की मरीज़ भी है, और इस वक्त वो तड़प रही है कि एक मासूम बेटा जो है उसको अपने ही भाई ने जो है बेदर्दी के साथ कत्ल कर दिया। खुदारा आप इन चीज़ों पे जो है नोट करें, और छोटी मोटी लड़ाई पे जो है इस तरह ना बढ़ें कि आप अपने रिश्तों का तकद भी भूल जाएँ। अपने मेज़बान चैनल वानी को पायनियर वर्ल्ड न्यूज़ से इजाज़त दीजिए।